अब देखिए ये हमारा नार्सिसिस स्लैब वन वे स्लैब है, ये वन वे कैसे है ये हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन देख के। ठीक, हमारी जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन में जो स्लैब का साइज दिया होगा वो देखने के बाद हम अपना डिसाइड करेंगे कि हमारा स्लैब जो है वो वन वे है या टू वे है। तो आपको बताया गया था कि लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन के जो रेशियो होगा वो अगर ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 होगा तो हमारा क्या होगा स्लैब होगा वन वे। जैसे लॉन्गर स्पैन तो यहाँ पर देखेंगे नार्सिसिस स्लैब की जो साइज दी गई है वो है 4 मीटर × 8 तो हमारा लंबे स्पैन का क्या होगा 8 × 4 देखिए ये हमारा वन वे स्लैब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं नार्सिसिस स्लैब की माप दी गई है 4 मीटर × 8 मेन रीइंफोर्समेंट दिया गया है 14 mm दाया बार है भी 200 mm इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, मतलब एक बार से दूसरे बार के बीच की जो दूरी है वो 200 mm। ठीक, इसमें अल्टरनेट मेंटल बार दिया गया है जिसकी दूरी जो है वो एल बाई सेवन डिस्टेंस है, मतलब कि जो हमारा इफेक्टिव स्पैन होगा उससे एल बाई सेवन दूरी पे हमारा मेंटल बार होगा। ठीक, अल्टरनेट बार है मतलब एक बार हमारा मेंटल होगा और अगला बार सीधा होगा वो, लेकिन इस केस में होगा कि हमारा जो एक बार होगा मेंटल वाला वो एक किस साइड में होगा और अगला उस साइड में, वो भी आपको जब बताएंगे तो आपको दिख जाएगा। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है जिसका डाया है 10 mm और इसकी दूरी है 250 mm सेंटर टू सेंटर। दो बार हमारे होते हैं, एक होता है मेन बार एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। वन वे स्लैब में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों यूज होता है और टू वे स्लैब में केवल और केवल मेन बार यूज किया है। ठीक, फिर वॉल की थिकनेस दी गई है 3 cm बियरिंग ऑन वॉल, मतलब जो स्लैब है वो दीवार पे कितना एमएम रेस्ट करता है ये बताया गया है, कितना है 150 mm, मतलब हमारा दीवार का थिकनेस कितना है 300 है और ये आधे दीवार पर रेस्ट करता है। ठीक, कवर 15 mm और एंड पे 25 mm, इसमें एक कवर छोड़ा जाता है वो भी कितना है 15 mm और 25 mm, कहाँ होगा वो भी आपको चुप बताएं बनाएंगे देखते हैं। फिर स्लैब का थिकनेस दिया गया है 150 mm। ठीक, अगर क्वेश्चन में स्लैब का थिकनेस नहीं दिया है तो आप स्लैब का थिकनेस अपने मन से 150 mm तक मान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मान सकते हैं। ठीक, अब हम बताते हैं कि कैसे इसको बढ़ाना है, सारा डेटा नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। पहचान कैसे होती है ये बताते गए पिछले क्लास में कि वन वे स्लैब का पहचान जो है कि कैसे आप डेटा देख के पहचानेंगे कि वो वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। ठीक, अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है,
कि जो हमारा स्पैन है वो और प्लस जो वॉल है इन दोनों को नाप के खींच देगा। जैसे हमारा स्लैब की लंबाई है 4 मीटर, ठीक, जो हमारा शॉर्टर स्पैन होगा शॉर्टर स्पैन ही हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक, लॉन्गर स्पैन नहीं बनाएंगे, शॉर्टर स्पैन बनाएंगे केवल, और शॉर्टर स्पैन के अलावा इसका फिर एक दीवार भी हम बनाएंगे 0.3 मीटर और प्लस फिर 0.3 मीटर, मतलब ये दोनों वॉल की मोटाई हो गई, तो वैल्यू कितना हो गया टोटल 4.6 मीटर का हमारा वैल्यू हो गया, ठीक। अब हम क्या करना है, इसमें स्केल सेलेक्ट करना है, स्केल अब हमको इसका स्केल सेलेक्ट करना है, तो स्केल हमारा होगा 120 का, ठीक, 120 का हमारा स्केल है, अभी ठीक है? हाँ सर, अब विजुअल है, विजुअल है, ठीक। देखिए म्यूट कर रहा हूं, देखिए हमारे जो स्लैब का जो लंबाई है वो 4 मीटर, ये हमारा हो गया 4 मीटर, ठीक। उसके बाद हमारा जो वॉल है उसका थिकनेस 0.3 मीटर और प्लस 0.3 मीटर की दूसरी वॉल, तो टोटल डिस्टेंस होगा कितना 4.6 मीटर, ठीक। ये हमारा 4.6 मीटर का पूरा हमको स्लैब बनाना है। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले इसको स्केल पे कन्वर्ट करना है, स्केल हमारा कितना होगा 120 का स्केल होगा 1:20, ठीक, 1:20 का हमारा स्केल है, इसको चेंज करेंगे इतना वैल्यू आ जाएगा 4.6 में 100 गुणा करेंगे और डिवाइड करेंगे 20 से, वैल्यू आएगी 23 सेंटीमीटर, ठीक, 23 सेंटीमीटर का हमको लाइन खींचना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 23 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे, ठीक, 23 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचे और इसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर खींच, ये करने के बाद क्या किए, अब देखिए ये हमारा पूरा स्लैब का पूरा हो गया, वॉल के साथ है इसलिए इसको अभी अलग अलग कटना है, इसमें वॉल अलग करना है, जो बियरिंग ऑन वॉल था उसको अलग करना है, तो ये सब चीजें याद रखें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये स्लैब खींचे 23 सेंटीमीटर का, उसके बाद क्या है हमारा ये वॉल का इधर नीचे कर दिए और ये वाले वॉल का इधर नीचे कर दिए। अब हमारा वॉल कितना है, वॉल का है 300, तो वॉल को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3×15 मतलब 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का लाइन इधर खींचे, इसको कंटिन्यूअस शो कर दिया, यहाँ पे खींच लिए, यहाँ पर मान लीजिए नॉर्मल है, ठीक, पूरा भी खींच सकते हैं, बाद में मिटाना पड़ेगा लेकिन पूरा खींच सकते, ठीक। फिर सेम यही काम रिपीट करना है उस साइड पे, इधर से 1.5 खींचे और यहाँ पे लाके इसको मिला दिए। अब देखिए स्लैब का थिकनेस क्वेश्चन में दिया गया था, स्लैब का थिकनेस कितना दिया गया था 15 सेंटीमीटर मतलब 150 mm, तो हमको क्या करना है, यहां से ये वाला ऊपर वाली लाइन से 150 mm नीचे मतलब 15 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 25 से, वैल्यू आएगी 0.75 सेंटीमीटर आई, तो क्या करें यहां से हम 0.75 नीचे एक लाइन खींचते हैं। अब देखिए
ये लाइन खींचने से पहले क्या करेंगे, हम डॉट लगा के छोड़ दीजिए इधर भी और डॉट लगा के यहाँ से दस साल का नीचे डॉट लगा के इधर भी छोड़ दिए। ठीक, अब क्या किए क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा बियरिंग ऑन वॉल कितना है। तो बियरिंग ऑन वॉल दिया गया है 150 mm, मतलब दीवार के आधे पर। तो यहाँ तक करें दीवार का आधा हिस्सा आएगा, तो क्या करेंगे यहाँ तक हम अपना स्लैब बना लेंगे, इसको नीचे करेंगे, इसको इधर और इसको खींच लेंगे पूरा इधर, इसको ऊपर ये वाला हिस्सा निकाल देंगे। ठीक, अभी बताइए किसी कोई समस्या है यहां तक। जल्दी बताइए, 40 मिनट में खत्म हो जाएगा ये लेक्चर ना। किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? लियो सर, वो वॉल आप नीचे कितना उसको लिए हैं? ये कॉन्टिन्यूअस का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लंबाई नीचे तक कॉन्टिन्यूअस जितना ज्यादा चाहे जा सकता है, उसका कोई माप नहीं है, बस इसका माप है। स्लैब का थिकनेस है 150 और ये बेरी वन वॉल है 150, और यहाँ से यहाँ वहां तक की वैल्यू, बस वॉल की कोई डेटा नहीं है। बाकी किसी कोई दिक्कत? चलिए ठीक, अब देखिए ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें रिइंफोर्समेंट डालेंगे। रिइंफोर्समेंट मतलब सरिया। देखिए इसमें हमको दो डालना है, एक मेन बार और एक डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए कि जो हमारा मेन बार पड़ता है, ठीक, वो मेन बार जो होता है वो हमारा पड़ता है शॉर्टर स्पैन के अलोंग, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ता है वो पड़ता है लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो दो कवर दिया गया था क्वेश्चन में, एक दिया गया था 15 mm और एक नहीं सॉरी एक दिया था 15 mm और एक दिया था 25 mm। तो देखिए जो 15 mm कवर दिया गया था वो यहां से छोड़ेंगे, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से जो सरिया बनाएंगे वो 15 mm को चेंज करेंगे, पहले सेंटीमीटर में तो 1.5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 25 mm करेंगे तो वैल्यू बहुत कम आएगी, मतलब 0.75 mm नहीं सॉरी 0.075 mm, मतलब बहुत छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए उसको क्या करेंगे 1 mm करेंगे, यहाँ से एक बार ऐसे खींचेंगे 1 mm इस वाली लाइन से और 2 mm इस वाली लाइन से। ठीक, 1 mm इस वाली लाइन से नीचे के और 2 mm इस वाली लाइन से, क्योंकि 25 था तो सेम वही चीज होगा। उसके पहले क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डार्क, क्यों, इसको कहा जाता है एक्सपेंशन जॉइंट। क्या होता है कि जब गर्मियों में हमारे स्लैब प्रसार होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, नॉर्मल सा कवर छोड़ दिया जाता है जिससे वो जो प्रसार हो वो एडजस्ट हो सके। ठीक, तो यहाँ पे नॉर्मल सा एक कवर छोड़ दिया गया, अब हम लोग यहाँ से कवर छोड़ेंगे, यहाँ से 15 मतलब 1 mm इधर और 2 mm इधर से क्या किए, एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से लेके लाइन खींचेंगे, फिर इधर से भी सेम काम करेंगे, 2 mm इधर से खींचेंगे 1 mm इधर से, ये खींचने के बाद यहाँ से लेके पूरा लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ये इतना काम करने के बाद क्या करना है, सरिया में से बिल्कुल जैसे लगता है ये बिल्कुल इतना बना देंगे, नॉर्मल भी इधर और इधर को लेके वो बना देंगे। ठीक, अब इसके बाद हमको इसमें लगाना है बेंट अप बार। ठीक, बेंट अप बार क्वेश्चन में दिया गया था कि अल्टरनेट लगाना है L/7 दूरी पे, L हमारा क्या है इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ हमारा टोटल कितना था, वही 23 था, 23 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट 23 सेंटीमीटर को क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। ठीक, डायरेक्ट 23 सेंटीमीटर को क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए, इससे नहीं सॉरी 23 सेंटीमीटर को नहीं डिवाइड करना, पहले हमारा जो स्लैब का क्लियर स्पैन है मतलब 4 मीटर हमारा क्लियर स्पैन प्लस वॉल का थिकनेस कितना है 0.3 मीटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.3 मीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हाफ आप में ये 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 4.3 हो जाएगा, 4.3 को हम स्केल पे चेंज करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे 7 से,
तो क्या करेंगे, पहले 4.3 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4.3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.3 डिवाइड बाय 7 आ गया 0.614 ये मीटर में आया है। ठीक, 0.614 ये मीटर में आया है। इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से एक रहने वाला गुणा 0.614 और डिवाइड कर देंगे हमारा जो वैल्यू होगा, जो हमारा स्केल है इससे 25, तो इसके से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5 डिग्री आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे 2.5 सेंटीमीटर यहाँ करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया है L/7 दूरी, समझ लीजिए फिर से, हम क्या कहते हैं पहले क्लियर स्पैन में दीवार, दोनों दीवार का आधा दूरी से आधा दूरी तक जोड़ लिए दूरी, उसके बाद जो दूरी आई है इसको सॉल्व करने पर कितना आया है 4.3 आया है, तो इसको L/7 मतलब L/7 मतलब 7 से डिवाइड कर दिए। अब जो वैल्यू है वो मीटर में आई है, तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद स्केल पे 120 के स्केल पे इसको चेंज कर दिया गया। ठीक, तो ये जब चेंज किया है तो वैल्यू कितनी आई है, सॉरी 120 के स्केल पे चेंज किया है तो वैल्यू आई है 3 सेंटीमीटर आई है। अब देखिए यहां से 3 सेंटीमीटर हम यहां, जहां भी 3 सेंटीमीटर आएगा इधर से 3 सेंटीमीटर पे डॉट लगा देंगे और इधर से भी 3 सेंटीमीटर पे डॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल लेंगे, यहां से 45 डिग्री का एंगल ऊपर जाएंगे और यहां पे कवर रहेगा आपका 1 सेंटीमीटर के एंगल का, यहां से कवर रहेगा, उसके बाद इसको मिला देंगे इधर, ये आपका ऐसे इधर हो जाएगा और सेम यही काम इधर भी रिपीट करना है। तो ये रिपीट करने पर इधर मिला देंगे। ठीक, ये हमारे मेन बार हो गए। अब हमको लगाना है डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक, ये हमारा मेन बार होने के बाद अब हमको डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का आप देखिए डेटा कितना दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन बार का वैल्यू दिया गया है 10 mm डाई बार लगाना है, 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक, 250 mm सेंटर टू सेंटर लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 250 को हम चेंज करेंगे वैल्यू स्केल पे, 250 को चेंज करिए mm से फीट में आया तो कितना है, 250 mm में है तो सेंटीमीटर में किए तो 25 सेंटीमीटर हो गया और 25 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक, 1 आया। तो 1 हमको कैसे लगाना है, 1 लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, जितना ये हमारा दूरी है, ठीक, ये हमारा टोटल यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ नापिएगा अपने स्केल से, अपने स्केल से यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ नापेंगे जो भी वैल्यू है। मान लीजिए एक्सप्रेस करते हैं हम कि हमारा मान लीजिए 22 है, ठीक 22 है, तो क्या करेंगे उसके आधे दूरी मतलब 11 पे क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे। ठीक, एक डॉट लगा देंगे, इस डॉट के बाद क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर पे लगा देंगे, एक सेंटीमीटर पे इधर लगा दिए, एक सेंटीमीटर पे इधर, एक सेंटीमीटर पे इधर, एक सेंटीमीटर पे इधर, एक सेंटीमीटर पे इधर। ठीक, फिर इधर आ जाएंगे, एक सेंटीमीटर पे इधर लगा दिए, एक सेंटीमीटर पे इधर, एक सेंटीमीटर पे इधर, एक सेंटीमीटर पे इधर और एक सेंटीमीटर पे इधर। अब हमारा देखिए ये जितने डॉट दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये ऊपर का पेंटअप बार है और ये नीचे वाला है, ये हमारा मेन बार है। ठीक, ये हमारा इतना डेटा हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका हमको मेन वो बनाना है, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल सा सेक्शन, ठीक स्लैब का। अब हमको इसका प्लान बनाना है। ठीक, प्लान बनाने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अब इसमें देखिए वृत्त आपको लगाना है, ये 45 डिग्री पे एंगल होता है इंसान के रिटर्न में, वैसे तो हम बना वाले की ये 45 डिग्री बनता है सेंटर के लिए। ठीक, अब देखिए सिंपल प्रोजेक्शन लेके काम करेंगे तो ज्यादा बेटर है, उससे क्या होगा प्रोजेक्शन लेके जब बात करेंगे तो आपको आराम से इसको बनाने में आपको आसान होगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि जो लंबाई वाला है 4 मीटर वाला आपको लेंथ दिखाई दे रहा है तो 4 मीटर की लंबाई बनाना है, जो 8 मीटर वाला है उसको 8 मीटर पूरा नहीं बनाना है, बस आधा बना के कंटीन्यूअस का लाइन बना के
छोड़ देना। ठीक, सबसे पहले प्रोजेक्शन लेंगे इस वाली लाइन का, तो ये वाली लाइन का प्रोजेक्शन लिए और खींच लिए, ठीक ऊपर तक ऐसे मार मार कुछ दूरी तक खींच दिए, फिर इस वाली लाइन का प्रोजेक्शन लिए कुछ दूरी तक खींच दिए। ठीक, खींचने के बाद ठीक है दोनों लाइन का प्रोजेक्शन ले लिए और उसके बाद क्या किए ऊपर में ऐसे मिला। ठीक, मिला दिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, ये वाला हमको देखिए दीवार का ये पूरा हिस्सा दीवार का है, लेकिन हमको इतना केवल दिख रहा है क्योंकि जो बाकी वाला हिस्सा है वो स्लैब से ढक गया। तो हम क्या करेंगे, जितना हिस्सा पहले दिखाई दे रहा है इस हिस्से को खींच लेंगे, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको खींच लिए। अब देखिए इसको पूरा नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये तो एक तरफ की दीवार है, इसके उस साइड भी दीवार होगी, तो हमको क्या करना है, ये जितना इधर छोड़ मतलब जितना ये रहेगा उतना इधर से छोड़ के ये वाला बना रहे, मतलब इधर भी तो वॉल होगी तो ये इधर वाली वॉल बना लेंगे। ठीक, उसके बाद ये वाली वॉल, इसका ये वॉल, ये वाली वॉल का प्रोजेक्शन लिए हो खींच लिए। ठीक, अब देखिए अब हमारा बचा ये वॉल का बचा, तो इसको हम क्या करेंगे डॉटेड दिखा, ये वाली जो वॉल है इसको हम दिखाते हैं डॉट, कहां तक जहां तक ये जितना चौड़ाई है उतना चौड़ाई कर ले, मतलब यहां से जितना चौड़ा है उतना चौड़ाई इधर रखेंगे और इधर से फिर इधर डॉट, मतलब ये भी वॉल ही है, ये याद रखिएगा चारों तरफ से वॉल है, इधर है और फिर यहां तक जहां तक आ रहा है यहां तक डॉट। ठीक, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए जो हमारा एक्सपेंशन है ये जो एक्सपेंशन है इसके बगल में जो कवर है इसको क्या करिए, कवर वाली जो लाइन है इस कवर वाली लाइन को यहाँ पे 2 mm मतलब इस लाइन से 2 mm दूर एक बहुत हल्की सी लाइन खींच लीजिए, एकदम हल्की इधर से एकदम हल्की सी लाइन ऐसे खींच लेंगे 2 mm तक, कवर आपको बार बार नापना ना पड़े। ठीक, 2 mm इस घर से 2 mm इधर से अब हमको सबसे पहले जो आप क्या करिए, जो आसान सा एक काम है वो कर लीजिए। आसान काम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारा दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार का प्रोजेक्शन लेके आप आराम से डिस्ट्रीब्यूशन बार जितना दिखाई दे रहा है उतना खींच सकते हैं, पहले वो कर लीजिए। क्या वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो पहले देखिए इसमें कवर के साथ लेके खींच लिए पहला डिस्ट्रीब्यूशन बार, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार, तीसरा, चौथा, स्लैब तक नहीं आया कभी बता दीजिए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, और यहाँ पे 11 तक। ठीक, बाकी आप दूरी का करिए, यहाँ पे आप इसको कंटिन्यूअस दिखा दीजिए। ठीक, बाकी ये समझा दीजिए, ये हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो तो हम बिछा रहे। ठीक, अब हमारा बात आया मेन बार का, जो हमारा बेंटर है। ठीक, मेन बार का बात है जो हमको ठीक। अब देखिए हमको यहां तक हमको पता है कि यहां तक हमारा कवर है, अब इसके बाद हमको वो बिछाना है मेन बार, तो क्या करेंगे, अब देखिए हमारा अल्टरनेट बार है बिल्टअप। ठीक, अल्टरनेट हमारा बिल्टअप बार है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मली पहला लाइन यहाँ पे खींच दिए, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे हम पहला लाइन रखेंगे।
लेकिन ये हमारा आपको याद होना चाहिए कि वेंटर बार जो होता है उसको शो करते हैं डॉटेड लाइन से। ठीक, जो वेंटर बार होता है इसको डॉटेड लाइन से शो किया था। ठीक, तो डॉटेड लाइन से इसको शो किया था है। अब क्या करेंगे उसके लिए, जो हमारा पहला बेंट अप बार है देखिए उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। जहां पे हमारा जो बेंट अप बार लगा है इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, यहां पे जहां तक आएगा वहां तक ऐसे डॉट लगा लेंगे, बाकी जो दूरी है यहां तक डॉट लगा लिए और जो इसको क्या कर देंगे डॉटेड लाइन कर देंगे। ठीक, इसको डॉटेड लाइन कर देंगे और बाकी जो पूरा लाइन होगा वो सीधा रहेगा। फिर अगला हमारा जो लाइन होगा वो क्या करेंगे यहाँ से सीधा रहेगा और दूरी कितना रहेगा उन दोनों के बीच में। तो मेन बार का क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मेन बार की रिइंफोर्समेंट का जो दूरी दिया है वो 200 दिया है। 200 का मतलब कितना, 20 डिवाइडेड बाय 25 यानी कितना आएगी 1 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 2 × 10 20 है ना, 120 का स्केल है, 120 का है तो हमारा कितना आएगा 1 सेंटीमीटर आया। तो क्या करेंगे यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर आएंगे और पहले ये पहला वाला यहाँ से 1 सेंटीमीटर है फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर आएंगे। अब लेकिन ये वाला बार जो होगा वो यहाँ से सीधा जाएगा, सीधा जाएगा कहाँ तक, इसके प्रोजेक्शन तक। यहाँ वाला जो है L/7 यहाँ के प्रोजेक्शन मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ तक सीधा आएगा, उसके बाद क्या करेगा डॉटेड डॉटेड आएगा, फिर अगला वाला डॉटेड डॉटेड आएगा यहाँ तक, उसके बाद फिर सीधा, फिर इसके बाद वाला सीधा आएगा यहाँ तक आने का डॉटेड डॉटेड आएगा, फिर ऐसे पूरा हम क्या करेंगे एक एक डॉटेड डॉटेड और उसके अगला वाला दूसरे डॉटेड डॉटेड आएगा। ठीक, तो ऐसे आप करेंगे करते चले जाएंगे तो हमारा आपको दिखेगा कि ये अल्टरनेट होता चला जा रहा है, एक साइड से अल्टरनेट रहेगा और एक साइड से कंप्लीट मेन बन जाएगा। ये इतना बनाने के बाद ये हमारा 1/20 का एलिवेशन हो गया, लाइन थोड़ी सी तिरछी है। ठीक, लाइन थोड़ी सी तिरछी है लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप जब बनाएंगे स्केल से और पेंसिल का यूज करके एमडी का यूज करके बनाएंगे तो सारी लाइनें सीधी बनेंगी और थोड़ा सा ये दोनों के बीच में थोड़ा गैप रखिएगा, मतलब ये इतना पास मत बनाएगा, थोड़ा दूरी रखिएगा, लेकिन मान लीजिए कम से कम इतना डिस्टेंस रखिएगा, कम से कम इतना। ठीक, यहाँ बनाइए कि कम से कम एटलीस्ट इतना दूरी पे। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस सारे का डिटेलिंग कर देंगे, उस सारा जितना दिखा जैसे यहाँ बॉल है ये 300, ठीक, ये प्लेयर स्पेन 4 मीटर, ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ से लेंगे यहाँ तक जहाँ से लेके जितना डॉटेड है उतना बॉल दिखा देंगे, बॉल का वैल्यू दिखा देंगे, फिर यहाँ पे दिखा देंगे 4 मीटर। ठीक, यहाँ पे फिर बॉल इतना बॉल, ठीक, इसका आपको बुक में फिगर मिलेगा तो उस हिसाब से आप देख के इसका डिटेलिंग कर दीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, डिटेलिंग करने के लिए ये हमारा जो मेन बार है इस पर से दिखा रहता है, ऐसे लाइन शो करने के बाद यहाँ पे ये तीर आपको पता है कौन सी मान ली देते हैं मेन बार, फिर मेन बार का जो भी डेटा था वो डेटा मतलब 10 mm का रहा है डाटा, 10 mm डाटा बार पूरा लिख रहा है 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसको दिखा देंगे ऐसे करके कि डिस्ट्रीब्यूशन बार पूरा जितना भी होगा वो यहाँ वॉल है तो वॉल, तो यहाँ भी दिखा देंगे L/7 दूरी का बिल्ट अप बार।
ठीक, इसमें भी 60 रुपए ये मेन पार्ट है, यहाँ कवर करना है, यहाँ पे ये वॉल करना जरूरी है क्योंकि समय कम है और इसलिए मैं क्या नाम है इसको बाइंडअप कर रहा हूँ, नहीं तो पूरा डिटेलिंग आपको करके दिन बनाता था कि कैसे होती है। चार्ट पेपर पे करना होता तो मैं कर लेता, यहाँ पे अभी समय कम है, 4 मिनट का बचा होगा, 3 मिनट बचा होगा तो बाइंडअप करना है इसको, क्योंकि अगर डिटेलिंग करने लगेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो क्वेरी भी पूछना है, अगर किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है।